आज पहला दिन असेंबली का, 6 साल के बाद ये असेंबली का पहला दिन हुआ और पोस्ट आर्टिकल 370 के बाद ये पहला सेशन लगा जो कि 5 दिन चलेगा। और आज पहले दिन ही 2 बड़े फैसले लिए गए। एक तो पहला रेजोल्यूशन डाला गया आर्टिकल 370 के हवाले से, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो है एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। आपको बता दें 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो अनाउंसमेंट की गई है उन फैमिलीज के लिए जो डिजर्व करते हैं और उन लोगों के लिए जो APL से यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो फॉल करते हैं उनके लिए जो है 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री रहेगी, जिस तरह से बात की गई थी। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने उनके मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा गया है कि सबको 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त फराहम की जाएगी। हालांकि अभी तक जो है इसके ऊपर जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो नहीं लाया गया है, इसके ऊपर कोई बिल जो है वो पास नहीं किया गया है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो है 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है डिजर्विंग फैमिलीज के लिए जो है वो अनाउंस कर दी गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उनके हवाले से ये भी कहा गया है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर स्कीम जो एक लॉन्च की गई है, उस स्कीम के तहत जो है जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके छत के ऊपर जो है वो सोलर रूफटॉप पावर कनेक्शंस जो हैं वो लगाए जाएंगे। बड़ी जल्द जो है ये कनेक्शंस लगाए जाएंगे ताकि जो बिजली का जो भार है या बिजली का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो। और उसी के साथ साथ उन्होंने कश्मीरी पंडित के हवाले से भी जो है एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द जो है कश्मीरी पंडित समाज को भी जो है वापस कश्मीर स्थापित जो है वो किया जाएगा। ये कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा की गई है। आज पहला दिन था असेंबली का और इस पहले दिन के अंदर कई बड़ी चीज़ें जो है वो देखने को मिली और इन बड़ी चीज़ों के अंदर जो है लोगों के हक के जो है वो भी फैसले जो है वो ज़रूर सुनने को मिले। लेकिन इस असेंबली सेशन के अंदर जो है ज़रूर हंगामा भी जो है वो देखने को मिला, जिसके अंदर जो भाजपा के 28 MLA थे उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने जो है वो MLA जो रेजोल्यूशन लाया गया आर्टिकल 370 को लेके, उस रेजोल्यूशन के खिलाफ जो है वो ज़रूर वहां पे बोले हैं, ज़रूर वहां पे उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई है। लेकिन उसके ऊपर CM उमर अब्दुल्ला साहब का जो रिएक्शन था वो भी अब तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि मैं CM उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुहार जो है वो ज़रूर लगाऊंगा कि आपके द्वारा से जो है वो मैनिफेस्टो के अंदर जो है वो ये चीज़ लिखी गई थी, दिया गया था मैनिफेस्टो के अंदर कि सभी लोगों को 200 यूनिट जो है वो बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी, तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम किया जाए। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जो है इसको हरी झंडी जो है वो ज़रूर दिखा दी गई है। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये भी कहा है कि स्टेटहुड के लिए भी जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब का जो है वो पूरा साथ देंगे ताकि जल्द से जल्द फुल फ्लेज स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो दोबारा से रिस्टोर की जाए। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।